वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको स्वाद से भरपूर और टेस्टी पुदीने की कचौरी बनाना बताऊंगी। कचौरियाँ तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरह की टेस्टी कचौरी आपने कभी नहीं खाई होगी। मैंने जब यह पहली बार पुदीने की कचौरी खाई तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगी, तो मैं इसकी रेसिपी आपके लिए लेके आई। मैंने कहा जरूर इसका मैं वीडियो अपलोड करूंगी और सबको बताऊंगी कि पुदीने की कचौरी जो है कैसी बनती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो आज मैंने सोचा कि वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूं, और कुछ टिप्स भी मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। बहुत ही अच्छी कचौरी बनी है, देखें मैं तोड़ के दिखाती हूँ। आवाज आप सुन सकते हैं, बहुत गर्म है ये, देखें कितनी अच्छी फीलिंग इसमें आई है। तो ये कचौरी मैंने कैसे बनाई, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 2 कप मैंने यहाँ पर मूंग का मोगर लिया है, इसको मैंने पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और पानी इसका मैंने पूरा निकाल लिया है। आप देख सकते हैं फूल के दुगुना हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मूंग का मोगर कैसा होता है। आप देख सकते हैं इस तरह का मूंग का मोगर होता है, इससे हम हमारी कचौरियाँ बनाएंगे। तो इस मोगर को जब हमने पानी में भिगोया था तो ये इस तरह फूल कर दुगुना हो गया है। अभी मार्केट में खूब पुदीना आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये पुदीना लिया है, लगभग 200 ग्राम के आसपास ये पुदीना है। तो इस पुदीने को हम 3-4 पानी से अच्छे से वॉश करेंगे और इसको हमें बारीक कट करना है। इस पुदीने की जो हम कचौरियाँ बनाएंगे ना, तो आप खाते ही रह जाएंगे, जरूर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ और बारीक कट करूंगी। हमने लिया प्रेशर कुकर, तो जो दाल हमने भिगोई थी वो हम इसमें डालेंगे। दाल को मैंने इसमें डाल दिया है, जो पुदीना हमने बारीक कट किया था वो भी इसमें अब हम डालेंगे। और इसमें अब हम बिल्कुल जरा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल इतना सा, 1/2 कप से भी कम पानी में इसमें ऐड कर रही हूँ वो अब हम इसमें डालेंगे। क्योंकि पुदीने में भी पानी रहता है और दाल में भी थोड़ा पानी रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पानी कम ही डाला है। बंद करके इसको हम सिर्फ 1 बिस्सा लेंगे, इससे ज्यादा हमें नहीं लेनी है। पुदीना इसमें मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जब हम कचौरी बनाएंगे, इसका मसाला बनाएंगे ना, तो उसमें जो पुदीने की खुशबू है वो बहुत ही अच्छी और तेज आएगी। तो बंद करके अब हम 1 बिस्सा ले लेते हैं और उसके बाद कुकर खोल के हम दाल को निकाल लेंगे। गैस को फुल फ्लेम पर कर दिया है और 1 बिस्सा अब हम आने देंगे, जब तक हम डो लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 कप बेसन लिया है, इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार डालेंगे हम नमक। तो मैं यहाँ पर 1 और आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब हमें डालना है मोयन के लिए तेल, तो धीरे धीरे करके हम इसमें तेल ऐड करेंगे और हाथ से हम सभी को मिक्स कर लेंगे। मोयन हमें इतना चाहिए कि मुट्ठी बंद हो जाए, उतना ही हमें इसमें मोयन डालना है। इस तरह हमें पहले मोयन को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो 4 कप मैदा में हमने 1 कप मोयन लिया था, तो आप देख सकते हैं इतना मोयन हमारा बचा है, यानी कि 1 कप में थोड़ा सा मोयन जो है हमारा रह गया है। 1/4 कप हमारा जो है मोयन लगा है इसमें। थोड़ा थोड़ा करके अब हमें इसमें पानी डालना है, तो पानी को मैंने हल्का गुनगुना किया है। इस तरह हमें इसका डो लगाना है, धीरे धीरे करके हमें इसमें पानी ऐड करना है। पानी यदि हम गर्म डालेंगे तो जो कचौरी भी जो है हमारी अच्छी और सख्त बनेगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह का हमें डो लगाना है, ज्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, इस तरह का आप देख सकते हैं। इतना डो लगाने के लिए हमने 3 कप पानी लिया था, जिसमें 2 कप और आधा कप हमारा पानी लगा है। इसको ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं, जब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, गैस पे मैंने नॉन स्टिक पैन रखा है और इसमें मैं 2 टीस्पून तेल ऐड करूंगी। तेल गरम हो रहा है, तेल गरम हो गया है तो 1 पीस हम इसमें डालेंगे हींग। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है कचरा सूखा धनिया, तो ये भी हम इसमें डालेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे बेसन, तो 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया और सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हम कम ही रखेंगे। कचौरी बनाने के लिए थोड़ा बेसन तो हमें डालना ही पड़ेगा, कम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे।
बेसन जो है सिक गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो धीरे धीरे करके हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, तो हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, वो डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है। थोड़ा सा हम डालेंगे तेल, तेल हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है। 1 टीस्पून हम डालेंगे हरी सौंफ। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे 1 और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो सारी दाल हम इसमें ऐड करेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी ही हमें दाल पकानी थी, इससे ज़्यादा हमें दाल नहीं पकानी थी, इसलिए हमने कुकर में एक ही बिसल ली है और बिल्कुल इसका पानी भी नहीं बचा है। पानी भी जो हमने डाला था बिल्कुल बराबर मात्रा में था। इसे हम इसको मिक्स करेंगे, सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, यदि आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च को और बढ़ा लें। बस अब हम तेल भी ऐड कर देते हैं। तो टोटल यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक हमें सबसे लास्ट में ही डालना है क्योंकि नमक पानी छोड़ता है, तो सबसे लास्ट में ही हम नमक को ऐड करेंगे और सभी को हम अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी स्टफिंग बनकर तैयार हुई, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन पानी को सोखता है इसलिए बेसन डालना बहुत जरूरी है। स्टफिंग बनकर हमारी तैयार हो गई है, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है, बिल्कुल अच्छी स्टफिंग हमारी बनी है। तो गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और स्टफिंग को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो इसके हम छोटी छोटी सी लोइयां बनाएंगे, यानी छोटे छोटे से हमें इसको गोल गोल राउंड में करना है इस तरह। तो सारे हम करके रख देते हैं, साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह मैंने सारी स्टफिंग की जो है लोइया बनाकर रख दी है। आप देख सकते हैं 30 लोइया हमारी बनी है, इसका मतलब हमारी 30 कचौरियां बनकर तैयार होगी। लेकिन यहाँ पर मैं सारी कचौरियां नहीं बनाऊंगी, जितनी हमें चाहिए उतनी ही हम बनाएंगे। बाकी का जो बचा हुआ मसाला है हम एयरटाइट कंटेनर बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं, तो 3 से 4 दिन तक ये मसाला खराब नहीं होगा। आप जब चाहें इसकी गर्मा गर्म कचौरियां बना सकते हैं, और यदि आप सारी कचौरियां बनाना चाहें तो भी आप बनाकर रख दें, वो भी हमारे 5 से 6 दिन तक खराब नहीं होगी। भर का ठंडा होने के बाद हमें एयरटाइट कंटेनर में बंद करके उसे रखना है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो करें। तो चलिए अब हम कचौरियों को भर लेते हैं। धोबी जो है हमारा अच्छे से तैयार हो गया, चिकना हो गया है। थोड़ा सा 1/2 टीस्पून हम इसमें तेल डाल के अच्छा सा इसको एक बार मथ लेते हैं। तो कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चकला बेलन लिया है, हाथ से भी मैं आपको बनाना बताऊंगी और चकला बेलन से भी। तो पहले हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। तो इस तरह हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, आप देख सकते हैं साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब एक लोई उठाएंगे और इस तरह हम इसको गोल गोल करेंगे और चकले पे हम रखेंगे। हल्की सी इस पे हम चिकना ही लगाएंगे और इसको बेलेंगे। किनार से हमें इसको पतला ही रखना है, बीच से हल्का सा मोटा रखना है। इस तरह हमें इसकी छोटी पूड़ी बनानी है पहले। इस तरह इसकी मैंने पूड़ी बनाई है। अब एक जो है मसाले की लोई हम उठाएंगे और सारे कोनों को पकड़ते हुए हमें इसको इस तरह दबाना है चारों तरफ से। ये देखे, इस तरह हमें इसको दबाते हुए गोल गोल इसको प्रेस करना है। और अब हाथ में लेते हुए इस तरह अच्छे से इसको हम दबा देंगे ताकि कहीं से भी जो है ये खुले नहीं। यूं करते हुए इसको हम गोल गोल कर देंगे। ये देखे, इस तरह हमें इसको उठाते हुए बिल्कुल इक्वल करना है। तो इस तरह हम इसको बना के रख देंगे। हमें और फैलाना है लेकिन पहले मैं इसको इतना ही बना के रखूंगी। हाथ से भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह हमें इसको बड़ा फैलाना है, हथेलियों की मदद से, अंगूठे की मदद से आराम से ये फैल जाता है, क्योंकि जो डो है हमने ज्यादा हार्ड नहीं लगाया है।
आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं बिना चकले की हेल्प से भी। ये देखिए, अब बीच में हम इसमें लोई रखेंगे और बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ ही हमें इसको करना है। चारों कोने पकड़ के बिल्कुल हमें इसको अच्छे से दबाते हुए जोर से इसको पैक करना है और गोल गोल राउंड करते हुए बिल्कुल हमें इस तरह करना है। मैंने कहीं से भी इसको स्किप नहीं किया है। ये देखिए, पूरी लोई हमारी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह सारी कचौरिया जो है मैं हाथ से ही बनाऊंगी। तो हम कचौरिया बनाते हैं, उधर हम गैस पे तेल भी चढ़ा देते हैं ताकि तेल जो है गर्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जितनी कचौरी आएगी उतनी ही बना के रखी है। अब इसको हमें फैलाना है, तो किस तरह फैलाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हमने मसाला फिल किया था, तो इस तरह हम हथेली का जोर देते हुए इसको इस तरह हम किनोर से जो है इसको पतला करते जाएंगे और इस तरह हम इसको फैलाते जाएंगे। ये अपने आप फूल के डबल हो जाएगी। ये देखिए, कॉर्नर से हमें इसको इस तरह पतला करना। बिल्कुल मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, वीडियो को कट नहीं कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, इस तरह जो है हमें कचौरिया बना के रखनी है। जितनी आएगी उतनी ही बनाएंगे, ज्यादा हम नहीं बना सकते। पहले से बना के रख देंगे तो इनपे पपड़ी आ जाएगी, तो वो अच्छे से फूलेगी नहीं। बाकी का जो आटा है उसको हम ढक के रख देंगे। ये देखिए, इस साइज की मैं कचौरियां बनाऊंगी। इस तरह हम सभी को कर लेंगे। गैस पे मैंने पैन रख दिया है और तेल इसमें चढ़ा दिया है मैंने। तेल जो है हमें फुल फ्लेम पे अच्छा गर्म करना है। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर कम गर्म तेल में ही हम एक एक करके कचौरा डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम कम ही रहने देंगे। डाल देते हैं धीरे धीरे, हमें इसको दबाते हुए एक एक कचौरी को दबा दबा के बनाना है और इस तरह हमें डालना है और 10 मिनट तक हमें इनको छेड़ना नहीं है। जितनी कचौरी आएगी उससे से एक ज्यादा ही हमें इसमें डालनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ज्यादा इसमें क्यों कह रही हूँ। ये देखे, कचौरे तो हमारी इतनी ही आएगी लेकिन फिर भी मैं एक ज्यादा ही इसमें डाल रही हूँ। एक ज्यादा कचौरी इसलिए हमें डालनी है ताकि एक दूसरे के दबाव से ही ये कचौरिया फूलेगी। जब एक कचौरी का दूसरे कचौरी पे प्रेशर पड़ेगा तभी जो है ये कचौरी फूलेगी। जब तक ये कचौरिया सिकती है हम दूसरे लोए बना के भी तैयार कर लेते हैं। इस तरह आप देखे, सारी कचौरिया जो है अपने आप फूल रही है। इस तरह जो नाइफ की मदद से हम इसको घुमा देंगे ताकि चारों तरफ से जो है ये इक्वल सीके। अब हम इनको पलट देते हैं और दोनों साइड से हमें इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक का सेकना है। इस तरह आप देख सकते हैं, सभी को मैंने पलट दिया है। सारी कचौरिया जो है हमारी फूल रही है। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। आप देख सकते हैं जो कचौरी हमारी सिक गई है उसको अब हम निकाल लेते हैं। इस तरह हमें गोल्डन ब्राउन होने तक का इसको हमें सेकना है। इस तरह एक एक करके हम सारी कचौरी निकाल लेंगे। सारी कचौरी हमारी सिक गई है तो चलिए निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें दूसरा राउंड भी करना है। कितनी अच्छी फूली फूली कचौरिया बनी है, कहीं से भी जो है फटी नहीं है। तेल को आप देख सकते हैं कितना क्लियर जो है हमारा तेल है। यदि कचौरी जरा से भी फटती ना तो तेल में जो है सारा मसाला आ जाता, लेकिन तेल हमारा बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब कि कचौरी हमारी सारी अच्छी बनकर तैयार हुई है। हथेली की सहायता से हमें एक एक कचौरी को दबा दबा कर इसमें डालना है। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। जब हम पैन में डालेंगे तभी हम दबाएंगे। यदि पहले से हम दबा के रख देंगे तो पपड़ी आ जाएगी और कचौरी फूलेगी नहीं। बहुत ही अच्छी कचौरिया बनी है, आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली जो है हमारी कचौरिया बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। कचौरी बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो हम डो लगाएंगे वो ज्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। और जब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे तो बिल्कुल कम फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राई करना है। और सबसे मेन बात यह है कि जब हम कचौरी की फिलिंग करेंगे तो बहुत ही सावधानी के साथ हमें करनी है। बिल्कुल अच्छे से हमें इसको पैक करना है ताकि फ्राई करते समय जो है मसाला निकले नहीं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।
शेयर करना न भूले। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।